मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि कल हमारी जो गणित जो विषय है उसकी एक मासिक परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आएगा। जैसे कि ये लिंक आया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मासिक परीक्षा है उसको आपको करना कैसे है। तो आपके पास जो ये लिंक आएगा उस लिंक को आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक गूगल फॉर्म खुल के आएगा। हर एक कक्षा का एक अलग गूगल फॉर्म है। तो जैसे यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो जिसने लिखा हुआ है मासिक परीक्षा गणित कक्षा जीरो, तो वैसे ही आपके पास कक्षा एक से लेकर 12 तक गूगल फॉर्म्स खुल के आएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है। इसमें देखिए तीन सेक्शन है हमारे पास इस फॉर्म में। तो पहले वाले सेक्शन में जो आपके पास है मोबाइल नंबर है, विद्यालय का नाम है, माता का नाम है, विकास खंड का नाम है और छात्र छात्रा का नाम है। ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज होने जैसी कोई चीज नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें सप्लाई करनी है। तो जैसे मैं उसमें मोबाइल नंबर भर दे रहा हूँ, एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा। तो जैसे मोबाइल नंबर भर देंगे फिर आप उसमें स्कूल का नाम लिखेंगे। आप विद्यालय के नाम में देखिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है जो भी आपका स्कूल का नाम होगा, आपका GPS है या GIC है, GHSS है, UPS है, आपको जितनी भी इसमें डिटेल्स हैं सारी अंग्रेजी में ही फिल करनी है। तो जैसे मैं इसमें फिल कर देता हूँ कुछ, GIC भर देता हूँ, XYZ आपको भरना है। आप GPS आपका जो भी स्कूल होगा आपको वही भरना है। माता का नाम आपको भरना है, माता का नाम मैं फॉर एग्जाम्पल भर देता हूँ, इंग्लिश में भरना है आपको, रंजना मैंने भर दिया। विकासखंड का नाम हमने भर दिया, कोई भी आप भर सकते हैं, जो आपका होगा वो वाला भर सकते हैं। छात्र छात्रा का नाम आपने भर दिया, मैंने भर दिया यहाँ पे पीयूष, ठीक है। जब आपकी सारी डिटेल्स भर जाएंगी उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अगर इनमें से कोई भी डिटेल्स फिल नहीं होगी तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब जो दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में देखिए क्वेश्चन आएंगे। ये जो क्वेश्चन हैं सारे बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन होंगे। ये प्राइमरी जो सेक्शन है उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन हैं टोटल 10, और जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जो गूगल फॉर्म्स हैं उसमें 10 क्वेश्चन हैं 10 नंबर के। अब देखिए, अब जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, अनिवार्य रूप से करने हैं आपको। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम इसको भर लेते हैं, जो भी आपको आंसर सही लगे। अब देखिए एक एक क्वेश्चन है मिलान करने वाला, ये बेसिकली जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक उनके लिए ही मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए आपको करना क्या है, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 10 × 100, 10 को 100 से गुणा करके। अब इन जो चार ऑप्शन आपको आगे वाली लाइन इस पूरी लाइन में दिख रहे हैं उनमें से आपको एक टिक करना है। अब जैसे कि हम आपको जो भी इनमें से सही लग रहा है इनमें से एक ही सही होगा, ठीक है। तो मैं भर दे रहा हूँ, अंदाजे से भर रहा हूँ, मैं सही नहीं भर रहा हूँ। तो जैसे आप इनको भरेंगे तो आप देखेंगे, अगर माना हम इसमें से कोई नहीं भरते तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा आगे चलेगा नहीं। अब जैसे आपने ये सारे भर दिए, चार के चार ऑप्शन भर दिए, अब आपको नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए अभिभावकों की राय, ये वाला जो पोर्शन है ये सेक्शन 3 है हमारा, और ये भरना है बेसिकली जो हमारे गार्जियंस हैं। अब गार्जियंस ने देखिए कैसे भरना है, ये निम्न 5 प्रश्नों के उत्तर अभिभावकों द्वारा दिए जाएं जिससे कि ऑनलाइन पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपके बच्चे स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारे अभिभावक हैं वो इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के आगे जो 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन में से एक पे टिक करेंगे। जैसे कि मैं भर देता हूँ, ये भी क्वेश्चन भी सारे मैंडेटरी हैं करने, इसमें से भी आप कोई भी छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने भर दिए, अब हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिए इसे। अब देखिए सबमिट करने के बाद इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू स्कोर और सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अब देखिए आप चाहें तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया उसका स्कोर देख सकते हैं। व्यू स्कोर में हमने क्लिक किया तो आपके पास ये इसके मार्क्स आ गए, हमारे 10 में से 4 नंबर आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद आप बैक कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे बच्चे को आपके फोन पे करना है तो आप बैक जाएंगे, बैक जाके आप सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करेंगे। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करते ही वही फॉर्म फिर से खुल जाएगा और दूसरा बच्चा उसको भर सकता है। ध्यान ये रखना है कि एक बच्चा एक ही बार फॉर्म भरेगा, क्योंकि अगर वो 2 बार भरता भी है तो सिर्फ जो पहला वाला जो रिस्पॉन्स है उसका वही काउंट किया जाएगा एक्चुअली वैल्यूएशन के लिए। थैंक यू सो मच।